silence please. Baat mat karo. Okay, कितना आंसर आया इसका? वन इज टू वन, टू इज टू वन, टू इज टू वन, वन इज टू वन. देखो सबसे पहली चीज मैंने ये बताई थी कि जो वाई वन है साइन के आगे जो भी नंबर है उसका एम्पलीट्यूड है. फिर मैंने बताया था कि जो इसका एम्पलीट्यूड फाइव नहीं बोलना आपने, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, फाइव साइन थ्री पाई टी प्लस फाइव रूट थ्री कॉस थ्री पाई टी. ठीक हो गया? मैंने आपको एक रूल बताया था, साइन का कोफिशियंट कॉस का कोफिशियंट, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव रूट थ्री का स्क्वायर. बताया था ना शॉर्टकट, तो आंसर क्या आएगा वापस से टेन. तो टेन इज टू टेन रेशियो क्या होगी, वन इज टू वन. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, ये वेव की इक्वेशन है, यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. बताओ वेलोसिटी क्या होगी. देखो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू साइन ऑफ वाई इक्वल टू ए ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स प्लस फाइव. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना हमारी वेव की. मैंने आपको कई तरीके लिखे दिखाए थे वेव की इक्वेशन के, उनमें से ये एक मेथड. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं. y इज इक्वल टू सेवन साइन, आपने इसको नहीं टच करना. x का कोफिशियंट क्या है यहां पर, वन. यहां पर x का कोफिशियंट क्या है, 0.04 इंटू पाई, इसको वन बनाओ. इनमें से कॉमन निकाल लो. क्या कॉमन निकालना है, 0.04 पाई कॉमन निकाल लो. तो क्या बचा आपके पास, सेवन पाई डिवाइडेड बाई 0. पाई नहीं आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 3. क्लियर है ना यहां तक? एक्स का कोफिशियंट मैंने क्या कर लिया, 1 कर लिया ना. दोनों टर्म में से
जो एक्स का कोफिशियंट था उसको बाहर निकाल लिया, अच्छा टी भी आएगा, हाँ टी भी आएगा, कंपेयर कर, कंपेयर करेंगे तो ये टी के साथ जो नंबर है उसको वी बोलते हैं, तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी वी विच विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.04. क्लियर है यहां तक, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आओ फिर कंपेयर करो आंसर, ठीक है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड, आंसर क्या, आंसर एबीसीडी, मुझे कोई ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, वेलोसिटी ऑफ साउंड का वेरिएशन था अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, एंड जो आरएमएस स्पीड थी उसका भी क्या रिलेशन था, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ओनली, एक का फॉर्मूला याद है 3 kT by m, अंडर रूट ऑफ 3 kT by m, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ, तो थ्योरी करके आए हो वही है ना, वही तो वो मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड है, और वेव्स के अंदर हमने की थी साउंड की स्पीड, दोनों के अंदर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर हो गया यहां तक, तो इट मीन्स यहां से वेलोसिटी और टेम्परेचर का बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है, इट मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c बोल सकता हूँ, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c, डिवाइड कर, यहां तक भी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जरा, इसका आंसर क्या होगा,
string of length L and mass M hangs freely from a fixed point. So, hang freely. Iska mass M hai, length iski L. Mere ko velocity nikalni hai at a distance of x from the free end. Agar main aapse ye puchu ki is point par tension kitni hai T, to velocity ka formula humne kiya tha under root of T divided by M. M ka matlab kya hota tha? Mass per unit length. Mass capital M hai, length capital L hai. Agar main aapko tension T bata dun is point par, answer aa jayega. To agar yahan par tension T nikalni hai, yahan tension T, tension ka matlab is portion ka weight, is portion ka weight hoga. Aur is portion ka weight kya hoga? Pehle is portion ka mass nikal lein. Agar length L hai to mass kitna hai? M hai. 1 hai to M divided by L hai. Aur agar X hai to into kya kar dena hai? To ye kya aa gaya? Is portion ka mass aa gaya. Iska weight kya hoga? Iska weight into kya kar dena hai? G. To M by L into X into G. Is this clear hai? M by L into X into G. Isko utha ke yahan put kar do. Answer aa jayega root G. Point samajh aa raha hai? Tension ka matlab X distance pe kya hota hai? Weight jo niche laga hua hai aur jo weight hai wo kya hoga? X distance ke upar weight depend karega. Aapne value nikal leni hai. Dekho to yahan par tension ka matlab main bata chuka hu. Tension mass per unit length, mass per unit length M by L, aur jo tension hai M by L into X into ठीक है. यहाँ तक इस असाइनमेंट को मैं अपलोड कर दूंगा आज. अगर शायद मैंने कर भी रखी है, चेक कर लूंगा. सॉल्व है पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आपने देख लेने. और जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल थी उसके सॉल्यूशन में अपलोड कर दिए हैं वेव्स के. तो अगर आप सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करोगे उसके सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, उसके नेट पे बने हुए हैं. नेक्स्ट कोई डॉपलर्स का करते हैं. ये करो डॉपलर्स का. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट. नोट का मतलब नोड. नोड जहां एम्पलीट्यूड जीरो होता है. नहीं, फिर मैं नोड नहीं लिख दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक है. नोट इज अ म्यूजिकल इंटरवल. म्यूजिक की टर्म में मैंने बताया था पहले भी, नोट टर्म यूज करते हैं. म्यूजिक है तो एक म्यूजिक में एक म्यूजिक एमिटर है बाय अ सोर्स एंड इट इज चेंज्ड बाय 20% एज इट अप्रोचेज एन ऑब्जर्वर. तो एक म्यूजिक है या कोई भी साउंड है वो पास आ रही है ऑब्जर्वर के, तो जब ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज जब पास आएगा सोर्स
तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी वी माइनस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा फ्रीक्वेंसी का जब सोर्स पास आए। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बाय 20%, इंक्रीजेस बाय 20% मींस 120 बाय 100 इनटू न्यू, जो भी फ्रीक्वेंसी थी 20% ज्यादा का मतलब क्या होता है 120 बाय 100, ठीक हो गया यहां तक। यहां से ये और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहां से सॉल्व करो वी एस की वैल्यू आ जाएगी जो कि वी डिवाइडेड बाय 6 आएगी, मेरे ख्याल से चेक करने की आ रही है, कुछ और आ रही है, यही आ रही है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि व्हीकल कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? तो व्हीकल की स्पीड आ गई, वी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर, क्लियर। अब क्या करना है, वही व्हीकल अब उससे दूर जा रहे हैं, और अगर वही व्हीकल दूर जा रहे हैं तो उस केस में मेरे को फ्रीक्वेंसी का चेंज बताना है। तो अगर वही व्हीकल दूर जा रहा है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा न्यू डबल डैश इज वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू, अगर दूर जा रहा है तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, एनी डाउट, क्लियर है ना यहां तक। तो फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना क्या है कि अब परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, डिक्रीज होगी। तो पहले अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, अब फ्रीक्वेंसी न्यू डबल डैश हो गई, तो दिस इज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल न्यू इनटू 100, मुझे ये निकालना है, ठीक है ना, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, एनी डाउट, ठीक है ना। यहां तक 1 माइनस न्यू डबल डैश अपॉन न्यू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लें, यहां से रेशियो आ जाएगी न्यू डबल डैश अपॉन न्यू इज वी वी प्लस Vs, V, V and V divided by 6, ठीक है ना यहां तक। तो यहां से सॉल्व करो, ये रेशियो कितनी आ रही है 6/7, इस रेशियो को उठा के यहां पुट कर दे, आंसर आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग, सही आंसर बोला था, आंसर मिल गया, क्लियर है यहां तक, ये समझ आ रहा है इसमें कैसे करना है क्वेश्चन, एनी डाउट, ठीक है ना। तो जब सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, पास आ रहा है 20% इंक्रीज, और जब दूर जा रहा है तो निकाल लेना इतने परसेंट, मेथड क्लियर है सबको, डाउट है, ठीक है ना।